बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हों। तो नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे कि YouTube चैनल बनाएं और ज़रूर बनाएं, लेकिन YouTube चैनल बनाने के बाद सिक्योर होकर काम करें। आप सिक्योर कैसे हो सकते हैं, ऐसा क्या करें कि अर्निंग आपको मुसलसल होती रहे। इससे इंसान जब भी कोई बिज़नेस करता है या कारोबार करता है, तो वो दो चार महीने के लिए, छः महीने के लिए, सात दो साल के लिए नहीं करता। वो उसको अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत उसको चलाता है कि अब मैंने ये बिज़नेस कर लिया और अब सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे बच्चे भी यही बिज़नेस चलाएंगे। हर बिज़नेस का यही असूल होता है, तो YouTube का भी यही असूल है। आपने दोस्तों ये तो सोचना नहीं है कि चार छः महीने बनाऊँगा या साल दो साल बनाऊँगा और बस छोड़ दूँगा। आखिर आप बिज़नेस करने जा रहे हैं, अपना बेहतरीन बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, और वाकई एक बेहतरीन बिज़नेस है YouTube चैनल बनाना। तो आप उसको अपनी लाइफ के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की अर्निंग बनाना चाह रहे हैं, तो हम आपको चाहते हैं कि आप इसको सिक्योर होकर चलाएं। आपको कल को परेशानी का सामना ना करना पड़े, आपको परेशानी का सामना, आपको टेंशन को सामना ना करना पड़े। इसके लिए हम आपको बताने चंद एक टिप्स बताने आए हैं, चंद एक मशवरे देने आए हैं कि आप इस तरीके से करेंगे तो आप एक बेहतरीन यूट्यूबर बनेंगे और आपको आने वाले दौर में बेहतरीन तरक्की मिलेगी। तो ना चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तीन टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहे। तो नाज़रीन, अगर आप YouTube चैनल बनाने जा रहे हैं और अभी तक आपने YouTube चैनल नहीं बनाया, तो आप अगर कुछ जॉब करते हैं, कुछ छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, कोई रेडी लगाते हैं, कोई फेरी लगाते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं, अगर आप ये सोचें कि मैं अपनी जॉब छोड़कर, अपनी रेडी छोड़कर, या अपना छोटा मोटा बिजनेस छोड़कर YouTube चैनल पर काम करना शुरू करूं और मैं बस सबको, यानी कि पिछली कश्तियाँ जलाकर और मैं यहाँ पे आ जाऊं, तो ऐसा आपने हर चीज़ नहीं करना। सिक्योर होकर चलना है आपने बिल्कुल, अपनी जॉब भी जारी रखनी है। जॉब के टाइम से जो बचे टाइम, उसमें आपने ये काम करना है। रात को आपको लेट नाइट भले सोना पड़े, सुबह आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़े, आपने ये काम करना है कि आपने जॉब से वापस आकर अपने काम से, अगर आपका अपना काम है, मिसाल के तौर पर अपना कारोबार है, उसमें आप मैनेज कर सकते हैं कि जहाँ आप 10 घंटे काम करते हैं उसको आप 8 घंटे कर लें, और यहाँ पे 4 घंटे हो, 2 घंटे वो मिलाकर 3 घंटे और मिलाकर 5 घंटे काम करें। इस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। आपने अपनी बिल्कुल भी जॉब नहीं छोड़नी। ऐसा नहीं करना कि उठाया और जनाब दे मार और ले मार करके बिजनेस को भी लात मारी या अपनी जॉब को भी जाके टांग मारी और आगे यूट्यूब करना शुरू कर दिया। इससे आपका किचन चलना मुश्किल हो जाएगा, इससे आपके घर के एक्सपेंस चलने मुश्किल हो जाएंगे। YouTube आपका बनते बनते आपको 2 महीने लग जाएं, आपको 3 महीने लग जाएं अगर आपको अर्निंग आते आते, तो जब तक आप कहाँ से खाएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहला इसका सिक्योरिटी का ये जो आपको मैंने टिप बता रहा हूँ वो ये है कि आप अगर जॉब कर रहे हैं, उस जॉब के होते हुए आपने ये काम करना है। मैं जाती तौर पर ऐसे बंदों को जानता हूँ जिन्होंने YouTube चैनल बनाया और उनसे आज अर्निंग भी करना है, लेकिन उन्होंने मेहनत की। और मेहनत कैसे की, वो सुबह 8 बजे अपनी जॉब पर जाते थे और रात को 8 बजे जॉब से वापस आते थे, 9 बज जाते थे, 10 भी बज जाते थे, नहाए धोए खाना खाया और अपनी वर्किंग शुरू कर दी, और रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, इवन के 2-2.5 बजे तक भी उन्होंने काम किया। अपना उन्होंने बैठकर टॉपिक तैयार किया, अपनी वीडियो मुकम्मल की, फिर वीडियो बनाई और फिर सोए, या उस दिन वीडियो ना बनी तो अगले दिन बनाई वीडियो। इस तरीके से उन्होंने मेहनत शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता करते 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 वीडियो डालते डालते और उनका चैनल भी मोनेटाइज हो गया और वो आज अर्निंग भी कर रहे हैं। अब उन्होंने कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को छोड़ दिया या अपनी जॉब को छोड़ दिया, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं ये भी कर रहे हैं और साथ अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। अगर उनको वहाँ से अच्छी अर्निंग है और उनका टाइम मैनेज हो रहा है यहाँ भी वहाँ भी, तो कर रहे हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी कि अपनी जॉब छोड़ दें, बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, करोड़ों कमाने जा रहा हूँ और अब मैं अपनी जॉब को ऐसी तैसी नहीं। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, आपने जॉब को साथ चलाते हुए इसको करना है और फिर आप इंशाल्लाह ऐसा ऐसा कामयाब होंगे। फिर आपकी मर्ज़ी है, आप जॉब छोड़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आज जॉब के साथ भी ये काम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आपको हमारी पहली टिप पसंद आई होगी, हम चलते हैं अपनी दूसरी टिप। दूसरी टिप ये है, जब आपने पहला अपना चैनल बना लिया और उसको कामयाब कर लिया, आपके पास अच्छे सब्सक्राइबर्स आ गए, आपके पास अच्छी अर्निंग आनी शुरू हो गई, आपके पास अच्छे व्यूज़ आने शुरू हो गए, आपने इस पर इत्तफाक नहीं करना। आपने ये नहीं कहना कि ठीक है मेरा 50,000 बन रहा है, मेरा 60,000 बन रहा है, एक चैनल से काफ़ी है। बेशक आपको काफ़ी होगा, लेकिन YouTube एक ऐसी चीज़ है, इसमें मसाइल आ सकते हैं। आपको कई यूट्यूबर ऐसे मिल जाएंगे
जिनके चैनल चलते चलते डिलीट हो गए या चलते चलते चैनल हैक हुए, हैक होने की वजह से दोबारा उनका चैनल वो दोबारा रन नहीं कर सके, वो वाला चैनल को नया चैनल बनाना पड़ा, या ऐसा भी हुआ कि उनको कॉपीराइट क्लेम लगा जिसकी वजह से उनकी अर्निंग उस चैनल से बंद हो गई, ऐसा भी होता है। तो आपने एक चैनल पे इत्तेफाक नहीं करना, आपने दो चैनल बनाना, दूसरा चैनल आपका चैनल ग्रो हो गया, आपको अर्निंग आनी शुरू हो गई बेहतरीन, आप दूसरे चैनल पे काम करें, दूसरा चैनल ग्रो करें। आपको अगर किसी और टॉपिक पे आपको उबूर हासिल है तो आप उस पर जाएं, उस पर जाकर उस पर आप मेहनत करें और दूसरा चैनल बनाएं। अगर आप अकेले इतनी मेहनत नहीं कर सकते, अगर आपको अर्निंग हो रही है तो आप अपनी टीम भी बढ़ा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ आपने कंटेंट बनाना है और वीडियो आपने रिकॉर्ड करनी है, और एक ऐसा बंदा रखा जो वीडियो एडिटर रख लेगा, वीडियो एडिट भी करेगा और आपके थंबनेल भी बनाएगा, आप उसको बताएं ऐसा थंबनेल बनेगा, थंबनेल भी वो बनाएगा, एडिट करके अपलोड भी वो करेगा, सब कुछ वो करेगा, आपने सिर्फ चेक एंड बैलेंस करना है उसका। फिर आप दूसरे अपने जो चैनल है उसके ऊपर अपना आप बेहतरीन तरीके से फोकस करें, दो चैनल रन करें। खुदा ना खास्ता अगर आपका जो मेन चैनल है अगर वो किसी वजह से क्रैश करता है तो आप दूसरा चैनल आपका इस काबिल हो जो आपको लेकर खड़ा रहे। ये ना हो कि आप एक चैनल बना रहे हैं और चैनल वाकई आपको बहुत ग्रो कर गया, एक ही चैनल था, बेशक आपके उसके ऊपर 1,00,000 से ज़्यादा व्यूज़ आने लग गए, लेकिन खुदा ना खास्ता उसमें कोई किसी किस्म की ट्रेजेडी हो गई तो आप दोबारा ज़ीरो पर आ जाएंगे, आपको दोबारा ज़ीरो से चैनल लेकर चलना पड़ेगा। वो जो आप मेहनत की थी वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, नई मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। बेशक आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, वो आपका चेहरा मार्केट में होगा, लोग आपको जानते होंगे, मेहनत उससे कम होगी, लेकिन टाइम आपको उतना लग सकता है या उससे थोड़ा सा कम, लेकिन आप एक दफा परेशान हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे कि अब क्या करूँ, अब तो किचन ही रुक गया, अब तो किचन भी सेफ था जो खत्म हो गया, घर के खर्चों से परेशान हो गए। तो नाज़रीन आपने एक चैनल ग्रो करना है, जब वो ग्रो हो जाए तो तीसरा चैनल फिर ग्रो करने की कोशिश करनी है। आपने दो तीन चैनल बना के रखने हैं, एक बेहतरीन तरीका है, हर यूट्यूबर जो अच्छा यूट्यूबर है, बड़ा यूट्यूबर है, उसके दो तीन चैनल ऑलरेडी चल रहे होते हैं। अगर एक आधा चैनल किसी वजह से क्रैश करता है तो टेंशन ना हो, दूसरे चैनल पे अपनी वो काम कर सके। तो नाजन आपको ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी टिप की तरफ, और तीसरी टिप ये है कि अगर आप दूसरा चैनल या तीसरा चैनल नहीं बनाना चाहते, आप ये कहते हैं मुझे एक चैनल काफ़ी है, अब मैं जो दूसरा चैनल बनाऊँ मैं कोई और काम करूँ, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। आप इंटरनेट के जरिए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस तो बड़ा हुआ है, आपने लोगों को बताया भी, आपने रिसर्च भी की, आपके सामने खुला भी है, आपके साथ सामने फाइबर भी खुल गया, कैनवा भी खुल गया, आपके सामने ऑनलाइन स्टोर्स भी खुल के सामने आ गए कि किस तरह काम कर रहे हैं, आपके सामने ई कॉमर्स भी खुल के सामने आ गया कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, ये बड़ी चीज़ें हैं। और जब आप काम करेंगे आपकी स्किल्स भी आपकी डिवेलप होंगी, आप उन स्किल्स को लेकर भी इंटरनेट पर काम कर सकते हैं। तो अगर आप ये करना चाहें, एक आप अपना छोटा सा ऑफिस बनाएं, उसमें आप छोटी सी टीम भी बना सकते हैं, खुद करना चाहें अगर आपके पास टाइम है तो खुद भी कर सकते हैं, अगर जॉब नहीं करते हैं 24 घंटे आपके पास है इस काम में, तो आप 24 घंटे में से 18 घंटे भी दें और 6 घंटे सोएं तो भी आपका काम बेहतरीन चल सकता है। अगर टीम बना लेंगे तो 1 से 2 से 3 से 4 काम आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आप ये करें कि आप फाइबर पर जाएं, वहाँ पे अपनी गिग बनाएं, वहाँ पे बेहतरीन काम कर सकते हैं। काम थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा एक दफ़ा चलने में, लेकिन जब चल गया उससे लोग 20-20 लाख रुपये महीने कमा रहे हैं, 30-30 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं। आप ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, अपना एक ऑनलाइन स्टोर आप क्रिएट करें, उसके अंदर प्रोडक्ट्स डालें, वो आप बेच सकते हैं। आप ई कॉमर्स कर सकते हैं, आप ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, बेहतरीन तरीके से अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स उस पर डालकर आप अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में जहाँ चाहें आप बेच सकते हैं, बेहतरीन प्रॉफिट बेहतरीन काम है। इसके अलावा ई कॉमर्स भी कर सकते हैं कि यहाँ से आइटम उठाई वहाँ डाल दी, वो बिक गई आपको प्रॉफिट आ गया, वहाँ से आइटम उठाई नेट से ही एक प्लेटफॉर्म से उठाई दूसरे प्लेटफॉर्म पर डाल दी, दूसरे प्लेटफॉर्म से उठाई पहले प्लेटफॉर्म पर डाल दी, वो बिकती है आपको, आपका प्रॉफिट आता रहता है। आपको प्रोडक्ट खरीदने की टेंशन नहीं होती कि मैंने माल खरीद के अपने पास रखना है, उस माल की तस्वीरें खींच के अपने चैनल पर डालनी है, नहीं, आप लोगों के चैनल पर जाते हैं, वहाँ से उनके प्रोडक्ट देखते हैं, वहाँ से आप उठाते हैं तस्वीर जो आपको समझ आती है, रेट समझ आता है, आप उठा के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, अपने इंस्टाग्राम पेजेस पर डालते हैं, अपने आप यूट्यूब पेजेस पर डाल देते हैं, तो उसमें से आपकी जो चीज़ें बिकती रहती हैं, माल तो उनका बिक रहा है लेकिन आपको प्रॉफिट आता रहता है, क्योंकि वहाँ से आपने 600 की चीज़ ली, अपने पेज पे आपने 1200 की डाली या 1000 की डाली, 400 आपको बच गया, ये एक अच्छा ई कॉमर्स भी एक अच्छा बिजनेस है। तो नाज़रीन आप यूट्यूब चैनल जो चला रहे हैं इसके साथ ही आप 1, 2, 3 यूट्यूब चैनल क्रिएट करना शुरू करें, लेकिन ये गलती नहीं करनी कि एकदम ही 3 चैनल बना लेने हैं, ये गलती कतई नहीं करनी। एक चैनल जब आपका प्रमोट हो जाए बेहतरीन तरीके से चल पड़े फिर दूसरा, जब वो बेहतर तरीके से चल पड़े आप अर्निंग देने लग जाए फिर तीसरा। इसी तरह अगर आप चैनल और नहीं बनाना चाहते तो आप ऑनलाइन बिजनेस भी आ सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है, अरबों रुपए आप कमाना चाहें तो कमा सकते हैं।
तो नाज़रीन ये थे हमारे 3 टिप्स, आपको यकीनन पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, इसको आप सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, क्योंकि हमारी ऐसी वीडियो आपको मज़ीद मिलती रहेंगी। बेल आइकन का बटन भी दबा दें, और अगर कुछ सवाल हो इस बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, हम कमेंट बॉक्स में जाते हैं, उनको पढ़ते हैं और जवाब ज़रूर देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इसी तरह के बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक की इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।